इधर शहडोल में अंधविश्वास के खेल ने एक 3 महीने की मासूम की जान ले ली। दरअसल निमोनिया से पीड़ित बच्ची को 51 बार गर्म सलाखों से दागा गया था, जिसके बाद उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची के घाव बहुत गहरे थे, जिसके चलते इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। आपको बता दें कि बच्ची को निमोनिया था, लेकिन परिजनों ने उचित इलाज न करवाकर अंधविश्वास में उसे गर्म सलाखों से दागा कि बच्ची का निमोनिया शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्ची को बाद में अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो शहडोल से तस्वीरें आप देख रहे हैं, और आपको बता दें कि इस खबर को भी बंसल न्यूज ने दिखाया था, जब अंधविश्वास के खेल में, अंधविश्वास के इस मकरजाल में इस बच्ची के माता पिता, उसके परिजन जब उलझ गए थे, तो उस खबर को भी बंसल न्यूज ने दिखाया था। लेकिन दुखद ये है कि इस बच्ची की आज मौत हो गई है, ये बच्ची जिंदगी की जंग हार गई अंधविश्वास का खेल, और महज 3 महीने की मासूम है जो निमोनिया का शिकार हो गई थी, लेकिन परिजनों ने उसे डॉक्टर्स के पास ले जाने के बजाय गर्म सलाखों से 51 बार दागा इस अंधविश्वास में कि बच्ची का जो निमोनिया है वो इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हालत ज्यादा बिगड़ गई तो परिजन पहुंचे अस्पताल, यहां बच्ची का इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची के घाव बहुत ज्यादा गहरे थे, और ऐसे में बच्ची की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। तो सिंहपुर कठौतिया का यह मामला है, अंधविश्वास के फेर ने एक बच्ची की जान ले ली। महज 3 साल की मासूम, जो कि 3 से 4 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझती रही, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गई, उसकी मौत हो गई है। तो ये बेहद दुखद है, जहां शहडोल में अंधविश्वास का खेल सामने आया। जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ अजय नामदेव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, बेहद दुखद है वाकई में कि इस बच्ची को जब समय रहते इलाज की जरूरत थी तब अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, अंधविश्वास के फेर में ही परिजन उलझते रहे, और आखिरकार वो मासूम जिंदगी की जंग हार गई। निश्चित तौर पर जब बच्ची को इलाज की जरूरत थी तो इलाज नहीं मिला, और उसके बाद जो है उसे गर्म सलाखों से दागा गया, इससे बच्ची की मौत। मैं आपको बता दूं कि आदिवासी बाहुल्य जिला शहडोल में दगना कुप्रथा आज भी जारी है, जिसका नतीजा आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं, जिसमें बच्चों को निमोनिया जैसी बीमारी से ग्रसित बच्चों को दागने की कुप्रथा जारी है, दागा जाता है। ऐसा ही मामला आया था जिसमें बच्ची को गर्म सलाखों से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 51 बार उसको दागा गया था गर्म सलाखों से, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई थी, उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। 1 हफ्ते इलाज के बाद बच्ची ने अंतः दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई है। इस मामले में, पूरे मामले में प्रशासन की भी जो है लाचारी समझ में आई है, और प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अजय, एक जानकारी और जरा स्पष्ट कीजिए, ये बच्चे की उम्र क्या थी? ये लगभग 3 माह बताई जा रही, दुधमुही बच्ची थी, 3 माह बताई जा रही है, और अभी तक जितने भी मामले आए हैं इसी तरह के मामले आए हैं, जिसमें दुधमुही बच्चों को जो है वो गर्म सलाखों से जलाने, गर्म सलाखों से दागा गया है। जी, शुक्रिया आपका अजय फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, शहडोल जहां पर इस तरह के खेल बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहां पर आदिवासी बाहुल्य इलाका माना जाता है, और यहां पर जो जागरूकता की कमी है वो भी लोगों में नजर आती है, लेकिन अब ये जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, जिम्मेदारों की होती है कि वो यहां पर इस अंधविश्वास के मकरजाल को तोड़ते हुए आदिवासियों में, यहां मौजूद लोगों में जागरूकता की अलग से जगाएं।